गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट है आपका व्याकरण कुटीर। व्याकरण कुटीर में हमने कहाँ तक पढ़े, यहाँ व्याकरण यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो आज हमारी डेट कौन सी है, 4 अप्रैल 2021। तो क्या आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण के मूलतः तीन विभाग होते हैं। क्या होते हैं व्याकरण के तीन विभाग होते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारा आता है वर्ण विचार। इसमें विभिन्न वर्णों पर विचार किया जाता है। जो वर्ण विचार हमें जो विभिन्न प्रकार के वर्ण होते हैं उन पर विचार किया जाता है। सेकेंड नंबर पर हमारा क्या आता है, शब्द विचार। इसमें तरह तरह के शब्दों की रचना व उत्पत्ति के बारे में विचार किया जाता है। इसमें क्या कितने प्रकार के शब्दों की रचना होती है ना, उन पर उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनकी रचना के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों व उनके रचना संबंधी नियमों पर विचार किया जाता है। जो वाक्य विचार होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं उनकी रचना संबंधी नियमों पर विचार किया जाता है। अब आपकी क्या आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, भाषा का मिलन उसकी लिपि से करो। तो भाषा का मिलन उसकी लिपि से करना है। तो हिंदी भाषा की लिपि हमारी क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी की क्या है, रोमन। उर्दू की क्या है हमारी, क्या है उर्दू की हमारी है फारसी। पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी। संस्कृत की क्या है, देवनागरी। और मराठी की भी क्या है, देवनागरी। तो ये हमारे मिलान हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूप छांटकर सूचीबद्ध कीजिए। ये आप लोग स्वयं करेंगे और इसको करके हमें प्रैक्टिस सेंड करेंगे आप। उसके बाद आपका आता है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, ये हमारा सही है। भाषा का लिखित रूप स्थाई होता है। सही है। मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है। गलत। भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है आपका। उर्दू भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि उर्दू भाषा की लिपि हमारी क्या है, फारसी। इसमें आता है रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरो। क्या का अर्थ है बोलना, भाषा का अर्थ है बोलना। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, भाषा। भाषा का सबसे प्रचलित रूप है क्या, मौखिक। भाषा का सबसे प्रचलित रूप है, यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा, मौखिक। थर्ड नंबर में आता है लिखित भाषा के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक है, पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फोर्थ में मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह क्या कहा जाता है, लिपि कहे जाते हैं। फाइव नंबर में आता है को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। अंग्रेजी भाषा को हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। यहाँ पे हम अंग्रेजी भाषा भी कर सकते, अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। अब यहाँ पे क्या आता है, अपने शब्द जाल में छिपी सात भाषाओं के नाम खोजकर लिखिए। यहाँ पे हमारे सात भाषा दिए गए, उनके नाम क्या है, कौन से, गुजराती, पंजाबी, तमिल, उड़िया, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। ये सारा कुछ आप अपनी बुक में फिल करेंगे और उसकी एक फ़ोटो हमें सेंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।